ऑल टिप्स पीसीबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संयोजकता क्या होता है। संयोजकता को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम का सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 1। तो इसके सोडियम के बाह्यतम कोष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही सोडियम की संयोजकता एक हुई। इसी प्रकार से पोटेशियम का देखते हैं, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 8, 1। बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात पोटेशियम की संयोजकता एक हुई। किसी भी परमाणु की संयोजकता आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको बोर का नियम याद होना चाहिए। बोर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n² होती है, n इक्वल टू कोषों की संख्या। बोर के नियम में k कोष, l, m, n कोष होते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 1, के कोष, एल, एम, तो एम बाह्यतम कोष है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता एक हुई। लेकिन संयोजकता को निकालने के लिए किसी अन्य परमाणु में, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन 17, 2, 8, 7, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 7 हैं, लेकिन संयोजकता इसका 7 नहीं हुआ। तो संयोजकता को निकालने के लिए एक नियम है 8-n, ये आप लोग याद कर लें 8-n। जैसे ही बाह्यतम कोष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, तो वैसे 8-n रूल फॉलो हो जाता है। जैसे यहाँ 8-n 7 घटा देंगे तो 1 होगा, यानी क्लोरीन की संयोजकता 1। सिंपल तरीके से आप संयोजकता को इस प्रकार निकाल सकते हैं, कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोष से जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, वही उसकी संयोजकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता है। अर्थात जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लिए थे, तो सोडियम के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब यह अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि बोर के नियम से 2, 8, 18 ये सब ज़्यादा स्थायी होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। उसी प्रकार से यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी संयोजकता एक है। उसी प्रकार से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो क्लोरीन अपने बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा 2, 8, 8। तो इसी प्रकार से सोडियम अपने बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इसकी संयोजकता एक हो जाती है। उसी प्रकार से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी संयोजकता एक हो जाती है। इसी तरह से आप किसी भी जितने भी परमाणु हैं सभी के संयोजकता निकाल सकते हैं। बस एक ही चीज़ आपको याद करनी है कि किसी तत्व की संयोजकता जो है उस परमाणु के बाह्यतम कोष से त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।